देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सत्येंद्र जैन ने कहा, सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी चिंता की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मरीजों का संपर्क में आए लोगों का पता लगा रही है। उन्होंने कहा, साथ ही जरूरत पड़ने पर आरटीपीसीआर जांच भी बढ़ाई जाएगी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के सिद्धांत पर काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि राजधानी में करीब 37,000 कोविड बेड और 10,594 कोविड आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। सरकारी बयान में कहा गया, अगर संक्रमण फैलता है तो सरकार ने 2 सप्ताह के भीतर दिल्ली के हर वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की योजना बनाई। ऐसे में दिल्ली सरकार 65,000 बेड तैयार करने की योजना बना रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी स्थिति होने पर बेड की कमी का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।